Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पंजाब में आज भी धुंध के डेरे, रास्ते धुंध में गुम रहे, ट्रैफिक मुतासिर रही, स्मोक के बाइस आंखों में जलन, गले में दर्द की शिकायत, दमे के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। हमारे पास पेशेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रहे हैं, उनका उम्मीद है कि और इसमें कोई इजाफे के चांसेस हैं। नवंबर और अक्टूबर जो है लेस रेन वाले महीने हैं, इसमें बहुत कम रेन होती है, तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो इसमें काफ़ी कम है रेन, तो उसमें भी इस वजह जो स्पेल जा रहा है वो ड्राई का ही जा रहा है। स्मोक से बचना है तो लोग घरों से गैर जरूरी तौर पर ना निकले, बाहर जाएं तो मास्क पहने, आंखों को पानी से धोएं, आवाम को हिदायत। हल्का बंदियों से मुताल्लिक बिल का मुसविदा तैयार कर लिया, बिल पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, नई हल्का बंदियों पर सब पार्टियां वोट देंगी। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की पार्लियामानी रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। मर्दमशुमारी का मामला संजीदा मामला है, महकमा मर्दमशुमारी को डाटा शेयर करने का पाबंद होना चाहिए था। हम ये नहीं कहते कि किसी खानदान का डाटा दे, ब्लॉक्स का डाटा देना चाहिए। सईद गनी का मौके सिंध असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए बख्तरबंद गाड़ी में शर्जील मेमन की आमद, जियालों ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। शर्जील मेमन को महकमा इत्तलात सिंध करप्शन केस में जमानत मंसूख होने पर जेल भेज दिया गया था। अगर इसी का नाम जमहूरियत है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाएं, पाकिस्तान की अदलिया का मजाक उड़ाएं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ आप बात करें और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ आप इस हद तक बात करें कि बांग्लादेश आपको याद आ जाए। फौज के खिलाफ बयानबाजी और अदलिया का मजाक उड़ाना जमहूरियत नहीं। शेख रशीद का कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में जमहूरियत को शदीद खतरा है, हमने कुर्बानियां चोरों और लुटेरों के लिए नहीं दी। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों में फूट नहीं डलवाना चाहती, तोड़फोड़ की सियासत नून लीग करती है, कोशिश है कि सियासी जमातें मुस्तहकम रहें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर की आज न्यूज से गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम लंदन से आज वतन वापस रवाना होंगे, एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को कल तलब कर रखा है। नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर फैसला महफूज, नवाज शरीफ ने किस अदालत की तौहीन की? हाई कोर्ट के पास सुमोटो एक्शन देने का कोई इख्तियार नहीं, सुमोटो एक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। एमक्यूएम सवाल का शिकार है, इसका किस्सा जल्द तमाम हो जाएगा। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा वसीम आफताब का दावा, गुड मॉर्निंग आज में गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के बड़े रहनुमा भी रابطे में हैं। एमक्यूएम हर गुजरते दिन के साथ अपने कुदरती जवाल की जानिब गामजन है। माजी में एमएनएस और एमपी शामिल हो चुके हैं और आने वाले दिनों में भी एक बड़ी कसीर तादाद में लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ शामिल होने जा रहे हैं। अटक में रेंजर्स और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, तीन मुबैना दहशतगर्द धर लिए गए, भारी मकदार में धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। चारसद्दा में पुलिस मुकाबला, एसएचओ शहीद, दो एहलकार जख्मी। कुरम एजेंसी में पाक अफगान सरहद 17 रोज बाद तजारत के लिए खोल दी गई, सरहद 15 अक्टूबर को बारूदी सुरंग के धमाकों के बाद बंद की गई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कई रोज की मंदी के बाद मस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट इजाफा, 40,300 की हद बहाल। न्यूयॉर्क में हैलोवीन पर दहशतगर्दी, मैनहट्टन में ट्रक ड्राइवर ने राहगीरों को कुचल दिया, 8 अफराद हलाक और एक दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए, मरने वालों में गैर मुल्की भी शामिल, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। 29 साला सैफुल्ला का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से है, जाए वकुआ से पैलेट गन और पेंट बॉल गन भी बरामद।
मेयर न्यूयॉर्क कहते हैं हमले में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया गया। तशद्दुद और खौफ से हमारा अज़्म कमजोर नहीं हो सकता। मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बत्तियां बुझा दी गई। बरतानिया, अर्जेंटाइन और दीगर ममालिक की तरफ से हमले की मजम्मत। न्यूयॉर्क हमला पागलपन है। मशरिक़ वुस्ता में दाइश को शिकस्त देने के बाद उसे अमरीका में दाखिल नहीं होने देंगे, बस अब बहुत हो चुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। जर्मनी में अवामी मुकामात पर हमलों का मंसूबा नाकाम। 19 साल शामी दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। जर्मन वजीर दाखिला के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी इंटरनेट पर निगरानी के बाद अमल में आई। गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ गया। पेट्रोल 2.49 रुपए, मट्टी का तेल और डीजल 5.5 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। आवाम नाला। कीमतों में रोज बरोज जो है माहाना जो है कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और ये हुकूमत को इस पे कोई कदम उठाना चाहिए। तो ये तो सरासर इंसान के आवाम के साथ ज्यादती है। रेट पेट्रोल का बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, आवाम को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 23वें रोज तालीमी सरगर्मियां बहाल, तलबा खुश। क्लासेस का इन्होंने आगाज किया, इससे लग रहा है कि एडमिन भी कुछ सीरियस है स्टूडेंट के जो फ्यूचर के बारे में, क्योंकि 20-30 दिन से हम बहुत सफर हो रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा नुकसान इसमें डे स्कॉलर्स का हो रहा है। मतलब लड़ाई जिसकी भी है वो अपनी लड़ाई अलग लड़े, हमारे मुस्तकबिल के साथ प्लीज मत खेलें। एहतजाजी तलबा से निम